दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम सबको। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम अच्छे हैं। बहुत ठंड हो रही है, आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठंड से बचकर रहिए आप लोग। ठंडी की वजह से सुबह अभी सोकर उठा हूँ 8 बजे, नहाया भी नहीं है अभी। मैं नाश्ता करने जा रहा था। मैं ये सुबह खाता हूँ, इसमें किशमिश, बादाम, चने, मूंग दाल के कुछ दाने, ऐसी गेहूँ, ये किशमिश, कुछ चीज़ें गला के मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। ये करने के बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मतलब बनाऊँगा पहले। वैसे देखिए, ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई थी, आप लोग भी पी लीजिएगा और बताइए मेरी कॉफ़ी कैसी बनी है। मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसलिए मैं सुबह शाम एक सर्दी की वजह से कॉफ़ी ही ले लेता हूँ। आप में से किस किस को कॉफ़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरी मस्त कॉफ़ी रेडी हो गई, आप सब पी लीजिएगा। और अब सब्जी वाला आ गया था तो मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सब्जी मैंने ले लिया था। यहाँ पर मैंने पालक और गाजर ली थी और मैं इसको अब साफ़ करूँगा। यहाँ पर मैं पालक साफ करने जा रहा हूँ। इसको साफ़ करने के बाद मैं लंच तैयार करके रख दूँगा, इसके बाद ड्यूटी के लिए निकलूँगा तैयार होके। यहाँ पे देखिए, पालक को हमने अच्छे साफ कर लिया है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पालक तो बहुत अच्छी आती है पर मिट्टी लगी होती है और कुछ जो फालतू का कूड़ा था वो मैंने निकाल दिया है। देखिए, इसको धुल के अच्छे से 2-4 बार और इसको रख के फिर मैं आटा लगाऊंगा और बाद में सब्जी को काटूंगा। मैं आलू पालक की सब्जी बनाऊंगा और फिर मैं ड्यूटी के लिए निकलूंगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी न्यू है और इसलिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब लोग सपोर्ट करिएगा मेरे YouTube चैनल को, नारायण प्रसाद ब्लॉग्स को। यहाँ पे देखिए, मैंने धुल के अच्छे से पालक रख दी थी और अब मैं आटा लगाने जा रहा हूँ। ये आटा है और मैं इसको एक परात में निकाल ले रहा हूँ, अब गूँथूँगा इसको। और ये आटा मैंने छाना नहीं है, क्योंकि ये छाना हुआ आटा है। जैसे आप सबकी सबको पता है, मैं अभी घर गया था तो मम्मी ने इसको छान के अच्छे से आटा दे दिया था, तो छानना नहीं पड़ता। वैसे इसको मैं निकाल के बस गूँथ लेता हूँ, इसको गूँथ के रख दूँगा और उसके बाद मैं पालक कट करूँगा और आलू, और तड़का के लिए लहसुन, अदरक, मिर्च वगैरह कट करूँगा और मैं बढ़िया से सब्जी बनाऊँगा। और जिस जिसको आलू पालक खाना है मेरे हाथों की, वो ज़रूर संपर्क आ जाए खाने। और ज़्यादा मन कर रहा हो तो घर पे ही बना सकते हैं। देखिए, पालक कट चुकी थी। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग्स था वो। मैं मेला घूमने गया था, वहाँ से शूट करके लाया था। यहाँ पे पालक कट चुकी थी, ये देखिए, लहसुन, मिर्च और थोड़ी सी अदरक, ये मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लूँगा और इसी से मैं पालक में तड़का लगाऊँगा। आलू पालक की सब्जी बननी है और हमें ड्यूटी के लिए भी निकलना है। आज मैं सो के थोड़ा लेट उठा था, इसलिए सारे काम लेट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और मैं गैस ऑन करूँगा और कढ़ाई पे सरसों का ऑयल डालूँगा। मैं सरसों का ऑयल ही यूज करता हूँ सब्जी के लिए भी और पूड़ी पराठा के लिए भी। वैसे मैं पूड़ी पराठा कम ही बनाता हूँ, मैं ऑयल ही कम ही पसंद करता हूँ। खाना सिंपल सा तड़का लगाऊंगा, बस हल्दी और हरी मिर्च का और लहसुन का, अदरक का, बस इसमें आलू डाल देंगे। इसको भुनने के बाद में लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाए, इसके बाद मैं आलू डाल लूँगा इसमें। और ये जब फ्राई हो जाएंगे आलू अच्छे से तो उसमें पालक डाल दूँगा और ढक दूँगा। बढ़िया भुजिया तैयार होती है आलू पालक की और हमें आलू पालक बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर जल्दी जल्दी आलू पालक बनाता रहता हूँ
और हमें ड्यूटी के लिए भी रेडी होना है, इसलिए जल्दी जल्दी हमें लंच तैयार करना है, क्योंकि मैं ड्यूटी से आता हूँ तो सर्दी बहुत होती है, मन नहीं करता है, तो फिर इसी को गर्म करके खा लेता हूँ। और जब कभी मन भी होता है तो नहीं बना के जाते हैं तो आगे भी बना लेता हूँ, पर आज मैं बढ़िया ताज़ी पालक थी इसलिए मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बना दी, रोटियाँ बना दी और फिर मैं रेडी हो गया ड्यूटी के लिए। आप सब लोग भी बताइए, सर्दी आपके यहाँ कैसी पड़ रही है? यहाँ पर बहुत सर्दी हो रही है। यहाँ पे देखिए आलू फ्राई हो रहे थे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ पे मैं ड्यूटी से आ गया था, मैंने खाना बनाने के बाद लंच फिर मैंने सूट नहीं कर पाया था, मैं यहाँ पे ड्यूटी चला गया था क्योंकि मैं लेट हो रहा था। ड्यूटी के आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए हैं और फिर बाल झाड़ लिए थोड़े से, स्वेटर कपड़े चेंज करने में, स्वेटर उतारने में थोड़ा सा बाल वैसे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बाल झाड़ लिए। इसके बाद शाम की कॉफ़ी बनाऊंगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिर डिनर अब आराम करूंगा, फिर डिनर की तैयारी करूंगा। मिलता हूँ आपसे बाद में। बाय बाय, टेक।